हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम इंडिया। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन बिल्कुल आने ही वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाकर जाना है ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। तो आज हमारी ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर थर्ड वीडियो है, तो मैं कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हमें वर्ड क्या दे रखा है? अबव, ABOVE, और इसका कोड हमें दे रखा है 9। और एक और वर्ड दे रखा है शाइन, और इसका हमें कोड दे रखा है 11। अगर आप ध्यान से देखें कि ये हमारे कितने लेटर का वर्ड है, 5 लेटर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग लिखना है, 1, 2, 15, और वी हमारा होता है 22, और ई होता हमारा 5। अगर हम इन पांचों नंबर्स को ऐड करें तो 2 और 1 3, 3 और 15 18, 18 5 23, 23 और 22 कितना होता है, 45। और इस 45 हमें क्या लाना है, 9। तो हम क्या करेंगे कि इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर कोई ये पूछेगा कि सर, हम इसे 15 से भी तो डिवाइड कर सकते थे, तो ये 5 हमारा कहाँ से आया, हमारे नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5, जितने हमारे लेटर्स थे उतने से ही हमने डिवाइड किया। तो 45 डिवाइड बाय 5 कितना होगा हमारा, 9। ऐसे ही हम शाइन में करके देखेंगे कि हमारा जो इन लेटर्स की पोजीशन का सम आएगा उसे नंबर ऑफ लेटर्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 11। अब हमसे कोड पूछा था पार्टी का, PARTY। तो सबसे पहला काम नंबरिंग करना, 25। अगर आप इनको ऐड करें, 25 और 20 45, 45 और 18 63 और 1 64, 64 और 16 कितना होता है हमारा, 80। और 80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5, तो 80 डिवाइड बाय 5 हमारा कितना होगा, 16, जो कि ऑप्शन फोर्थ हमारा दे रखा है 16। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ हमें वर्ड क्या दे रखा है, ब्रेड, BREAD, और ब्रेड का हमें कोड क्या दे रखा है, RBBDA। और फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि हमारे जो लेटर्स यहां दे रखे हैं वही लेटर्स हमारे यहां पर भी दे रखे हैं, बट अलग सीक्वेंस में। तो इनका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, तो यहां पर आप नंबरिंग ना करते हुए अगर आप चाहें तो इनको डायरेक्ट लॉजिक भी लगा सकते हैं कुछ। देखिए, जैसे बी हमारा यहां पर था तो वो यहां आया, और आर हमारा इस जगह चला गया। तो आपने देखा कि फर्स्ट टू लेटर्स में बी यहां पर आया, आर यहां चला गया, लेकिन बी का कोड हमें दे रखा है ई, और यहां पर भी ए हमारा यहाँ आया और डी यहाँ पर। तो आपने क्या देखा कि हमारा कितने लेटर का वर्ड था, 5 लेटर। तो हमारे फर्स्ट टू लेटर्स क्रॉस पैटर्न में इंटरचेंज हुए, और लास्ट टू लेटर्स भी हमारे क्रॉस पैटर्न में इंटरचेंज हुए, लेकिन बीच वाले लेटर में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए बी था और यहाँ पर हमें ई मिला, यानी कि हमने इसमें +3 कर दिया, B+3 कितना होगा, E। इसी तरीके से हमको पेंट का कोड निकालना है, P का कोड हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टू लेटर्स और लास्ट टू लेटर्स इनको मैं क्रॉस पैटर्न में इंटरचेंज करना है, तो P हमारा यहाँ आ जाएगा और A हमारा फर्स्ट पोजीशन पर। उसी तरीके से N हमारा यहाँ पर आ जाएगा और T हमारा यहाँ पर। अगर आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर इसका कोड बिना निकाले भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, ए और पी हमारे फर्स्ट सेकंड लेटर होना चाहिए, तो ये हमारे किन किन ऑप्शन में है, एक इसमें है और एक इसमें, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब लास्ट में देखिए, टी और एन भी इन दोनों में दे रखा है। अब यहाँ पर हमें बीच वाले लेटर का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर क्या कोड होगा। तो आई हमारा कितना होता है, 9, और 9 माइनस 3 होता है 6, और सिक्स्थ पोजीशन पर आता है हमारा F, जो कि हमें ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि आपको अगर नया पैटर्न दिखता है तो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ताकि आपको रिवीजन करने में उससे हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर वर्ड दे रखा है DXF, और इसका कोड हमें दे रखा है 102। तो हमें क्या करना है, देखिए DXF, D होता है 4, X होता है हमारा कितना, 24, और F हमारा कितना होता है, 6।
अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो 24 और 6 30, 30 और 4 34, यानी 34। और 34 आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसका मल्टीपल है, यानी कि 34 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें डायरेक्ट कितना मिलेगा, 102। अब हमसे कोड किसका पूछा है, LNZ, L होता है 12, N होता है हमारा 14, और Z कितना होता है, 26। तो इनको ऐड करेंगे तो 26 और 14 40, 40 और 12 कितना होगा, 52, यानी 52 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 50 तीय 150 और 2 3 जा 6, यानी कि 156, और हमारा ऑप्शन सेकंड भी 156 दे रखा है। इसी के साथ हमारा आंसर होगा, यहाँ पर हमें वर्ड क्या दे रखा है, कोरस, CHORUS, और इसका हमें कोड क्या दे रखा है, D। आपको नंबरिंग करना है सबसे पहले 3 4। अब आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर आप बताना मेरे को क्या पैटर्न यहाँ पर यूज हो सकता है। देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, 3। इस वाली लाइन में क्या आपको 3 के आसपास कोई नंबर दिख रहा है, 4 है ना। तो इसमें क्या किया इन्होंने, इस 3 में +1 किया और इसे इस पोजीशन पर ले गए। तो फर्स्ट लेटर में इन्होंने +1 किया और इसे लास्ट पोजीशन पर ले गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है, 10, यानी कि इस पोजीशन पर इन्होंने +2 किया, 8 + 2 10, और 10 पे हमारा क्या होता है, J। समझ आया, फर्स्ट लेटर में 1 ऐड किया और उसे लास्ट पोजीशन पर, सेकंड लेटर में +2 किया और सेकंड लास्ट पोजीशन पर। उसी तरीके से अब देखिए, फिर से यहां पर अगर ये चाहते तो +3 कर सकते थे, और 15 + 3 क्या होता है, 18, और 18 पर होता है हमारा R, लेकिन यहां पर हमें कितना दे रखा है, P। तो ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया, लेकिन इसकी जगह इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 15 दे रखा है और यहाँ पर हमें दे रखा है 16, यानी कि 15 + 1 तो कितना हुआ, 16, और यहाँ पर देखिए 18 दे रखा है और यहाँ पर 20, यानी कि +2। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा पैटर्न क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट लेटर में +1, सेकंड में +2, थर्ड में +1, यहाँ +2। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर 22, यानी कि +1 हुआ, और यहाँ पर 19 और यहाँ पर 21, तो यहाँ पर +2 हुआ। लॉजिक आपको समझ आया, तो चलिए इसका हम कोड फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोड क्या होगा, E। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर +1, यहाँ +2, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +1 और यहाँ पर +2। अब आपको क्या करना है, V+1 कितना होता है, होता है W, तो W हमारा इन तीनों ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, E, E में +2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, G। तो यहां तक हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पर पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप O में +2 करें तो क्या मिलेगा, Q। क्यों मिलते ही आपके ये दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए हैं, तो आपको ऑप्शन क्या मिला, थर्ड एज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड आपको काफी हेल्प करता है, लेकिन आपको इसका सही यूज करना आना चाहिए, कहां हमें एलिमिनेशन मेथड से जल्दी आंसर मिल सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहां पर देखिए हमें वर्ड क्या दे रखा है, क्वांटिटी, QUANTITY, और क्वांटिटी का हमें कोड क्या दे रखा है, S। अब यहां पर हमें सबसे पहले नंबरिंग करते हुए 17, 24 और यहां पर 19। आपको कुछ यहां पर एक नया पैटर्न दिखाई देगा अगर आप ध्यान से नोटिस करें। तो देखिए यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि इस पूरी स्टेटमेंट को इन लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहां पर डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पर डिवाइड कर दिया और यहाँ पर, यानी कि दो दो लेटर के इन्होंने सेट बनाए। फिर इसमें क्या लॉजिक लगाया, ध्यान से देखिए, 16 + 1 17, या आप कह सकते हैं 17 - 1 आपको मिला 16, और यहाँ पर 21 - 1 आपको मिला कितना, 20। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 - 1 तो आपको कितना मिला, 26, यानी कि Z।
आप कह सकते हो कि इस लेटर से एक पीछे क्या आएगा, जेड, और यहाँ पर मैं दे रखा है 14, 14 माइनस 1 कितना होता है 13, और 13 पोजीशन पर होता है हमारा एम। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट टू लेटर्स में माइनस 1 करके उसको क्रॉस पोजीशन पर रख दिया है। यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस करके यहाँ ले गए, और एन में से 1 माइनस किया तो हमें मिला एम जो कि यहाँ पर। उसी तरीके से 20 माइनस 1 कितना हुआ 19, और 19 पोजीशन पर एस होता है, और 9 माइनस 1 होता है हमारा 8, 8 पर हमारा एच होता है। तो आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा। वर्ड हमसे क्या पूछा है, सैम्पलिंग, एस ए एम। आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उस पर अच्छी कमांड बनानी होगी तभी। अगर आप ध्यान से देखें, एस के पहले आता है हमारा आर, और ए के पहले आता है हमारा जेड। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में आर जेड मिल रहा है, यानी इससे हमको कुछ भी हेल्प नहीं मिली। तो देखेंगे हम कि और हमें आगे लेटर्स पर सेम लॉजिक अप्लाई करने पर क्या मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, एन से पहले हमारा क्या आता है एम, और जी से पहले हमारा क्या आता है एफ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि देखिए हमें डायरेक्ट ही आंसर मिल गया, हमें सेकेंड ऑप्शन में एफ और एम मिल रहा है, और स्टार्टिंग के दो लेटर हमारे जेड और आर, जेड आर। तो आपके यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और आपने क्या देखा कि सब ऑप्शन सेकंड हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमें किस तरीके से लॉजिक फाइंड आउट करते ही सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ड क्या दे रखा है, बीक के, और इसका हमें कोड दे रखा है एन और टू, और एक और वर्ड हमारा क्या दे रखा है, रेख, और हमसे पूछा क्या है बी का कोड। तो हमें बी का कोड फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर हमारा बी आ रहा है, लेकिन इस वाली स्ट्रिंग में बी नहीं आ रहा है। और आप ध्यान से और देखें तो देखिए ई ए के, इस वाली स्ट्रिंग में तीन लेटर हैं ई ए के, और यही तीन लेटर ई ए के सेकंड वाली स्ट्रिंग में भी हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों स्ट्रिंग में तीन तीन लेटर हमारे कॉमन है, और हमारा बचा कौन सा लेटर, बी। अगर हम इन तीनों लेटर्स की कोडिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें बी का कोड पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे लेटर नंबर्स क्या दे रखे हैं, 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9। अब हमारा बचा कौन सा नंबर, सिर्फ 2, और 2 हमारा बचा, और यहाँ पर हमें लेटर क्या बचा, बी, यानी कि बी का कोड हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2। और अगर हमसे आर का कोड पूछता वो, तो आर का कोड हमारा कितना हो जाता है, 0। फ्रेंड्स, ये हमारे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, और आपने देखा कि हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।